मांस रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉन वेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, बाद स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ। मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाए 10% का डिस्काउंट। मास रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के घास वाला कंपाउंड में 18 वर्षीय प्रेमी ओवैस खान के साथ मारपीट की घटना 23 जनवरी को सामने आई है। ओवैस खान ने बताया कि उसके साथ बेरहमी से 4 घंटे तक बंधक बनाकर उसे पीटा गया और सिगरेट से चटके भी दिए गए। इस पूरे मामले में हमने ओवैस खान से भी बात की है और ओवैस खान जिस लड़की से प्यार का दावा कर रहा है उससे और उस लड़की के माँ से भी हमने बात की है, जो आपको सुनाएंगे। दोनों तरफ से मुंब्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई गई है। ओवैस खान मुंब्रा देवी रोड ख्वाजा पैलेस का रहने वाला है और इसका दावा है कि वो घास वाले कंपाउंड में ख्वाजा पैलेस में रहने वाले नावेद की लड़की से अफेयर है, मगर लड़की सिर्फ दोस्ती होने की बात कर रही है। किसी भी तरह से अफेयर की बात से इनकार किया है लड़की। दरअसल ओवैस शेख के साथ 23 जनवरी को जो मारपीट की घटना हुई है, ओवैस का कहना है कि लड़की के बुलाने पर वो घास वाला कंपाउंड में गया था। उसके घर वालों ने उसे 5,000 रुपये देकर बिग बाज़ार से सामान लाने को कहा था। इसी दौरान लड़की से मिलने भी चला गया और लड़की का कहना है कि 1,000 रुपये ओवैस ने उधार लिए थे, मैंने वो मांगने के लिए उसे बुलाया था। वहीं ओवैस का कहना है कि लड़की के घर वाले उसे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए लड़की के पिता नावेद ने उसे पकड़कर बंधक बना लिया और लोहे की रॉड, डंडे और बेल्ट से उसे 4 घंटे तक पीटा गया। इस दौरान उसे सिगरेट से भी जलाया गया। ओवैस ने बताया कि पहाड़ पर भी उसे ले जाया गया, जहाँ उसके साथ मारपीट की गई और पहाड़ से ढकेला भी गया। जैसे तैसे कर ओवैस ने अपनी जान बचाई। ओवैस के शरीर पर बेल्ट और रॉड के मार के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। सिगरेट से भी जलाया गया है, उसके भी निशान आप देख सकते हैं। वहीं 5,000 रुपये और मोबाइल भी छीनने की बात ओवैस ने बताई है। ओवैस के चेहरे पर मार की वजह से काफ़ी सूजन आ गई है। ओवैस का कहना है कि 20 से 25 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की है। ओवैस ने मुंब्रा पुलिस में लड़की के घर वालों पर शिकायत दर्ज करवाई है। मुंब्रा पुलिस ने 307, 392, 363, 342, 323, 141, 143, 144, 146, 140, 148, 149, 125, 37, 135 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कार्ड दूंगा, ये ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बात हुई थी। और कल 3:30 बजे के टाइम उसके मेरी मम्मी ने मुझे सामान लाने के लिए पैसा दिए थे, तो मैं वहाँ पे सामान लाने जा रहा था, तो वही घास वाले कंपाउंड के नाके के पास उसके डैडी ने और डैडी के फ्रेंड लोग ने मुझे पकड़ लिए और मुझे पकड़ के लेके गए एक जगह पे। वहाँ पे लेके जाके उन लोगों ने मुझे, कौन सी जगह पर आपको लेके गए थे? वहाँ वो एक पहाड़ जैसी जगह थी, उन लोगों का अड्डा जैसा टाइप, आई डोंट नो कौन सी जगह थी, बट जगह थी, ऐसी जगह थी एकदम। कितने लोगों ने मारा था? एक तो उसके ही डैडी है नवेद कादरी और दूसरा कोई अनवर लाल करकर है और एक अफजल नाम है और एक का नाम मुस्तफ़ा है। बाकी मैं सबके चेहरे अगर देख लूँगा इनके तो अलावा और कितने लोग थे? उनके अलावा और प्लस 10-20 जन थे, 20-20 जन थे समझो, लेकिन मैं मुझे ये 4 जन का नाम याद है, बाकी और किसी का नाम नहीं है। और मुझे पहले स्टार्ट में तो सबसे पहले तो सिर्फ 4-5 लोग थे और सब लोग कोई सलिया से मार रहा था, कोई पाइप से मार रहा था मुझे, कोई पूरी मेरे पीठ पे, मेरे पूरे हाथ पे, सब जगह सिगरेट और सिगरेट का चटका। उसके बाद पहले नीचे मुझे मारे, उसके बाद मुझे ऊपर लेके जाके मेरी शर्ट उतार के मुझे हाथ पैर मेरा बांध के मुझे पहाड़ से ऊपर फेंक दिए।
मुझे नीचे फेंक दिए, फिर मुझे उठा के ऊपर लेकर आए। ऊपर लेकर आने के बाद मुझे फिर मारे 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 और फिर मुझे सिगरेट का चटका दिए। ये देखिए इधर पे, इधर पे, इधर पे, इधर पे, इधर। लगभग कितने घंटे तक आपको मारा? चार घंटे से पाँच घंटे तक, मुझे 4 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, हाथ पैर मेरा बांध के मारा और बहुत मारा। और बोल रहे थे उन लोग, मुझे धमकी दे रहे थे कि अभी तेरे मामू को मारे हैं, अभी तुझे मारेंगे, अभी तेरे भाइयों की बारी है। और हम लोग को पुलिस वुलिस का कोई डर नहीं है, हम लोग के जेब में है पुलिस। अच्छा, क्या नाम है वो लड़की के पिता का? नावेद नाम है उसका, नावेद कादरी। कितने साल से ये आपका अफेयर चल रहा है? हम लोग फाइव ईयर से पहले जस्ट फ्रेंड थे, 5 ईयर से, और हम लोग का रिलेशन स्टार्ट हो गया 3 ईयर्स हो गए। तो जब आपको मारे उसके पहले आपके और वो लड़की का कोई कांटेक्ट हुआ था? जी कांटेक्ट हुआ था। वो लड़की आपको सपोर्ट कर रही थी फुल? वो लड़की तो हमेशा से ही मेरे ही सपोर्ट में है, वो लड़की हमेशा ही। इस वजह से तो लड़की को लाया नहीं जा रहा है ना, वो लड़की का कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जा रहा है, क्योंकि लड़की उसके माँ बाप, ऐसा नहीं कि उस पर नहीं टॉर्चर हुआ, मुझसे गंदा गंदा उसके पेरेंट्स ने उस पर टॉर्चर किए हैं। ऐसा सुनने में आया है कि आप नशा करके उनके घर में घुस गए थे? नहीं 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 नहीं, बहुत बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। वाक्य ये हुआ था कि उन लोगों ने, उन लोगों के पास सामान थे, छुरी थी, चाकू, तलवार, वो सब सामान थे उन लोगों के पास। उन लोगों ने मुझे पानी, बिस्लेरी की पानी की बोतल में डाल के पता नहीं क्या क्या खिलाया है, क्या क्या पिलाया है उन लोगों ने मुझे। और बोल रहे थे उन लोग कि तुझे ट्रक के आगे डाल देंगे, तुझे चोर बता के पुलिस में जमा करा देंगे। मुझे बहुत सी किस्म की धमकी मिली है, मुझे शायद से तो मुझे उन लोग मार ही डालने का उन लोग का प्लान था पूरा। लेकिन जो हालत हो गई थी मेरी, ना मैं हिल पा रहा था ना डुल पा रहा था, मेरा पूरा पैर से मेरी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं छोड़े जहाँ उन लोग ने मारे नहीं। मुझे पेट पे, मेरे सीने पे, मेरे पीठ पे, ये देखिए मेरी पेट पूरी। वहाँ से आपको किसने फिर लेके आया? फिर मेरा एक फ्रेंड है, वो कौसा में रहता है, वहीं पे थोड़ा बाजू में। तो वहाँ तक का मैं अपनी हिम्मत किया, कैसा कैसा करके चल के गया। और मैं फिर मेरे फ्रेंड को बोला, तो फ्रेंड ने मेरे फ्रेंड को कॉल किया और बोला कि देख तेरा दोस्त इधर है। तो वो बाहर आया, उसने मुझे देखा और वो फिर वो मुझे घर पे लेके गया। वहीं इस पूरी घटना पर लड़की की माँ ने कहा है कि ओवैस को आम पब्लिक ने भी मारा है और उसने लड़की से पैसे लिए हैं। मेरी लड़की ने उसे पैसे मांगा था कि जो पैसे लिए हैं वो पैसे दे दे। लड़की के माँ के मुताबिक ओवैस इमारत की पानी की पाइप लाइन पकड़ कर चढ़ रहा था और सीटी बजा रहा था, तभी लड़की के पिता नावेद ने देख लिया और उसकी पिटाई की गई। मगर ओवैस ने इंटरव्यू के दौरान पैसों के बारे में किसी भी तरह का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ लड़की से ही अफेयर के मामले में उसकी पिटाई हुई है, ऐसी जानकारी ओवैस ने दी है। मगर हमने लड़की से भी बात की, लड़की ओवैस के साथ किसी भी तरह से अफेयर की बात से इनकार की है। लड़की की माँ ने भी ओवैस के खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में 354D 509-34 के तहत FIR दर्ज कराई है। क्या कुछ कहा है लड़की और लड़की की मां ने, सुनिए। आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो ओवैस खान है तो इसके साथ जो है शायद आपके लड़के का कुछ अफेयर था, इसको लेकर जो है मारा पीटा गया है, तो दरअसल क्या है ये पूरा मामला? सर ऐसा है ना कि कोई अफेयर ऐसा नहीं था। एक्चुअल में क्या है ना सर, आजकल लड़कियां 10 साल 12 साल की लड़की एक दूसरे से बात करती है, एज अ फ्रेंड बात करती है। तो वैसे ही सर वो उनसे बात करती थी, मतलब लड़की। तो उसके बाद में सर उसकी कुछ रिकॉर्डिंग थी, उसके माँ बहनों की उसकी कुछ रिकॉर्डिंग थी कि तू भाग जा, ये कर वो कर। तो सर मैंने सुनी ना, उसके बाद मैंने सर उसको समझाई, ये काफ़ी टाइम की बात है, 1 साल पहले की बात है। तो उसके बाद ना सर मतलब वो लड़की उससे बात नहीं कर रही थी, लेकिन उसने उससे कुछ पैसे वगैरह कुछ मतलब लिया था उस टाइम पे। तो मेरी लड़की ने बोली, मेरे को बताई बाद में कि मैंने पैसे दिए, मैं उससे वो रिटर्न देगा करके। तो उसके लिए सर उसने, हाँ हाँ बोलिए।
तो बस वही बात थी। और उस दिन सर परसों के दिन सर नहीं, ना उसका जो लड़का है उसका कहना है कि शायद लड़की ने उसे बुलाया था तो वो वहाँ पर गया हुआ था। नहीं तो नहीं लड़की जो नावेद है उन्होंने उसके साथ मारपीट की। नहीं सुनिए सर, लड़की ने बुलाया नहीं था, लड़की ने उसको कॉल किया था, वो मुझे बताई थी कि मैं उसको बोलूंगी करके। तो लड़की ने कॉल करके बोला था कि तुमने मेरे से पैसे लिए थे, उसने बोला था मुझे कहीं जॉब लगने वाली तो वहाँ पे मुझे कुछ 30,000 रुपया भरना है ऐसा कुछ, उसने उसको बोल के कुछ पैसे लिया था उसने। तो उसने बोला कि मेरी लड़की ने बोली थी कि तुम जो पैसे ये किए थे मुझे, वो उसने कॉल करके बोली थी कि अगर हो सके तो मुझे रिटर्न करना करके। तो फिर समझे मारपीट की घटना कैसे हुई फिर? मारपीट की नहीं सर, सुनो उसने उसने उसको बुलाई नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर सर वो है ना आया तो उस टाइम पे मेरी लड़की घर में अकेली थी और घर में फोन भी नहीं था, घर पे उस टाइम पे कोई फोन भी नहीं था, घर पे फोन मेरे पास था और मेरा घर सर लॉक था और लड़की अकेली थी। ये ना पाइप से चढ़ रहा था और नवीद है ना जस्ट मतलब घर से उतरे थे, जस्ट उतरे तो हमारे ना जो चैम्बर लाइन रहता है ना सर वहाँ पे दो लड़के खड़े थे, तो जैसा नवीद को देखे ना तो सीटी बजाने लग गए। जब सीटी बजाने लगे ना तो उनको ऐसा डाउट हुआ तो वो ऐसा आगे हो गए, तो देखे तो ना ये चैम्बर लाइन की जो हम लोग की लाइन है ना उस पे से मतलब ग्राउंड फ्लोर से थोड़ा ऊपर तक चढ़ गया था वो। तो वो लड़के हाँ उसके साथ जो मारपीट हुई है उसका कहना है लोहे नहीं मारपीट है ना, सुनिए सुनिए मारपीट मारा पीटा गया, उसे जो है किडनैप कर लिया गया, बंधक बना के सुनो सुनो ले जाके मारा गया उसे। नहीं सुनिए सुनिए सर, अभी ऑफिसर आके गए और सर मारने के लिए हम लोग को पता नहीं था कि वो आने वाला है, तो हम लोग क्या चाकू छुरी लेके नीचे उतरे नहीं थे बराबर ना। अचानक में अगर कोई मिलेगा तो उसको कोई चाकू छुरी लेके साथ में लेके कोई घूमता नहीं है बराबर। उसको सर पकड़े और उसको भगा रहे थे और वो फुल नशे में था, पूरी तरह से वो नशे में था। तो उसको सर भगा रहे थे वो कि तू यहाँ से जा करके, उसको घसीटते लेके गए। अभी मैंने सोसाइटी का भी सीसी फुटेज हम देंगे पुलिस स्टेशन को हम लोग, ठीक है। तो उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि बिग बाजार में था, तो बिग बाजार में था तो फिर ये सर यहाँ पे क्या कर रहा था। और सर उसके बाद ना उसको सर अभी देखो कोई भी पब्लिक रही थी, पब्लिक जब उसने देखो उसने स्टेटमेंट में भी बोला है, कभी बोल रहा है कि मुझे 4 लड़कों ने मारा, कभी बोल रहा है कि मुझे 25 लोगों ने मारा, कभी बोल रहा है मुझे 30 लोगों ने मारा। आपने भी स्टेटमेंट सुने होंगे उसका जो उसने मीडिया को दिया, ठीक है। तो सर उसको है ना पब्लिक है, पब्लिक जमा हो गई वहाँ पे और सर पब्लिक ने उसको मारा और वो भागते हुए ना सर पहाड़ की तरफ गया, वो भागते हुए पहाड़ की तरफ गया। और वो फिर सर वो पहाड़ की तरफ से कहाँ गया वो गिरा कि उसको किसने किसने मारा, सर पब्लिक थी वहाँ पे काफी लोग जमा थे जिनको कई लोगों को तो हम जानते ही नहीं है। तो सर पब्लिक ने उसको मारा है और वो सर अगर कोई पी के सर ऐसा कोई हरकत करेगा तो पब्लिक तो मारेगी, तो वो सर एक पब्लिक केस बनता है। उसमें उसको चाकू छुरी क्या कोई सर लेके घूमता नहीं कि किसी को चाकू छुरी से कोई मारे। उसके पास 5,000 रुपए और कुछ मोबाइल वगैरह थे, कुछ वो भी ले लिए क्या आपको? 5,000 सर उसके पास अभी बोलने को तो सर कुछ भी बोलेगा, खैर वो 5,000 बोल रहा है तो वो तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि 5,000 पहली बात तो सर वो लड़का था कोई अपने पूरे एरिया में, सर आप भी एरिया में रहते हो तो आपको पता होगा अपने एरिया में कोई बिग बाजार है क्या? कोई बिग बाजार नहीं नहीं है ना। तो उसका स्टेटमेंट सुनिए आप कि वो बिग बाजार में मतलब आया था, उसकी माने क्या दाल चावल राशन खरीदने के लड़के लोग जाते आज के टीनेज बच्चे जो है वो क्या दाल चावल राशन खरीदने जाते, जो बिग बाजार होता है ना और जो ये सब होता है ना वो सर लेडीज लोग करते। तो उनका स्टेटमेंट सर आप खुद समझ सकते हो, बोलने को तो वो 1,00,000 रुपया भी बोल दे समझे ना। अच्छा लास्ट सवाल है, आपकी लड़की क्या बालिक है नाबालिग है क्या? नहीं सर मेरी लड़की 18 साल में क्या अफेयर, उसका कहना है करीब 5 साल से उसका अफेयर था। नहीं नहीं सर लोग कह रहे सर नहीं नहीं सर ऐसा इसलिए मारपीट किए कि आप नहीं नहीं सर सर नहीं नहीं सर लड़की का सुनिए लड़की का ऐसा कुछ नहीं था, लड़की का आप चाहे तो मैं लड़की से भी बात करवाती हूँ आपकी, ठीक है। तो लड़की का ऐसा कुछ नहीं था, एक एक टीनेज देखो बच्चे लोग रहते हैं ना वो लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो अभी लोग उसको अफेयर भी बोलते हैं, कोई बॉयफ्रेंड बोलता है कोई फ्रेंड बोलता है, तो एक वैसा वो था समझे। तो ये लड़का मेरी लड़की से पैसे मांगता, एक फ्रेंड के हिसाब से अपना कुछ ये दिखा के मांग रहा था पैसे। कितने पैसे लिया हुआ? पैसे तो सर अभी उसने काफी बड़ा टाइम लिया था लेकिन वो भी जाने दो छोड़ दो अभी कोई मतलब नहीं है ना। वो फिर भी कितना लिया हुआ था? अभी रिसेंटली उसने कुछ 1,000 रुपया लिया था, फिर उसके पहले भी कुछ एक दो बार 2-3 हज़ार रुपया करके उसने लिया था कुछ समझे सर, ऐसा उसने बताया। अभी वो भी पूरे कितने दी वो भी हम लोग नहीं, मगर 2-3 हज़ार का तो उसने बताई मुझे। और कोई अफेयर नहीं था सर उसका, अफेयर मतलब ऐसा ये नहीं कि एक दूसरे से बातचीत स्कूल में जैसे बच्चे करते बस वैसा था। अभी उसके घर वालों को है ना सर लड़की को बदनाम करना है तो उसको अफेयर का नाम दे रहे समझे आप। लड़की बालिक है नाबालिक है? मेरी लड़की सर 18 साल 3 महीने की है, 18 साल 3 महीने की है। उसका कोई ये नहीं है, आप चाहो तो मैं आपकी बात करवाऊँ उससे। ठीक है, आपने FIR वगैरह भी कुछ दर्ज कराया है?
हाँ सर, मैंने एफआईआर दिया है, उसमें सर एफआईआर में कलम है 354D और 509-34। आपकी लड़की भी है आपके साथ में, अगर उससे थोड़ा बात हो सके तो। जी जी सर, बिल्कुल करिए आप बात, एक मिनट सर। हेलो सर। हाँ, आपका कुछ ओवैस के साथ में कुछ ऐसा अफेयर वगैरह था क्या? नहीं सर, फ्रेंड के तरह बात करते थे, हमारी मम्मी ने रिकॉर्डिंग सुने हम दोनों की कॉल की, मेरी मम्मी ने बोले कि नहीं लड़का अच्छा नहीं है, बात वगैरह मत करना, तो बात करना बंद कर दी थी। नहीं, ऐसा आप लोग एक फ्रेंड की तरह रहते थे या सिर्फ आप लोग की सिर्फ जैसा अफेयर था, लव था, ऐसा कुछ था? तरह ही रहते थे। अच्छा, तो आपने बुलाया था कल उसे? नहीं, बुलाया नहीं था सर, मैंने पैसे के लिए कॉल किया था। अच्छा। मैंने पैसे दिए थे, मेरे पैसे थे, मेरे पास मुझे दिए थे, जो भी ईदी वगैरह जमा होती थी पॉकेट मनी, मेरी मम्मी पूछ रहे थे कि पैसे कहाँ गए, तो इसलिए मैंने उनको कॉल करके बोला। अच्छा, कितना दिए थे आपने उनको? ये तो 1,100 रुपया दी थी, और उससे पहले भी दी थी, लेकिन मैं वो नहीं मांग रही थी, मैं सिर्फ बोल रही थी कि अभी आया है, क्योंकि मेरी मम्मी पूछ रहे थे। ये 1,000 रुपये आप कब दिए थे, कितने दिन पहले? टाइम हो गया सर, 3 महीने को छोड़। अच्छा, तो वही मांगने के लिए आपने बुलाया? ज़्यादा ही होगा होंगे, मतलब 3 तो नहीं, ज़्यादा मेरे बर्थडे से पहले, मतलब ज़्यादा ही। बहरहाल दोनों तरफ से FIR मुंब्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है, मगर सवाल उठता है कि आखिर क्या इस तरह की मारपीट जायज है? बातचीत से भी मसले को हल किया जा सकता था, दोनों तरफ की बातें हमने आपके सामने रख दी है। पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है, कौन सच है और कौन झूठ। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।